टाटा एस अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा लीडर है, और ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव सेगमेंट होता है, क्योंकि ये इंट्रा सिटी की यूज़ के लिए होता है, डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। और इस सेगमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन को कम किया जा सकता है सिटीज़ के अंदर, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 100 से लेकर 150 किलोमीटर के आसपास की होती है, और इस रेंज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल आराम से अपना पूरा दिन निकाल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टाटा का जो चार्जिंग स्टेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जो एस पिकअप ट्रक है उसी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन है, और ये सिर्फ एक कंटेनर के साथ ही आता है, क्योंकि ये कंटेनर के साथ ही आता है तो इसमें सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएंट आता है। और ये कंटेनर आपको अंदर से दिखा दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ईवी की जो बैटरी है, यानी कि जो गाड़ी की बैटरी है वो देख लीजिए यहाँ पर दी गई है। और ये जो बैटरी है ये नहीं, ये तो नॉर्मल जो गाड़ी का हाउस वाली बैटरी वो है यहाँ पर, इससे हेडलाइट सिस्टम बाकी सब चीज़ें चलती है, लेकिन ये जो है ये गाड़ी को ड्राइव करती है। टायर का साइज देख लीजिए, 13 इंच के 155 और 13 इंच के टायर दिए गए हैं। और ये गाड़ी जो है अभी आपको टिंटेड लग रही है, लेकिन टिंटेड नहीं आएगी यहाँ पर। गाड़ी को खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटीरियर देखने को मिलता है। टाटा की सारी गाड़ियों में जो कमर्शियल व्हीकल है उन सब में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, वो ये है कि जो वॉक इन केबिन है उनको डिजाइन किया गया है। आपको देख रहा होगा यहाँ पर कोई भी गियर नॉब नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि ये ईवी है, इसके अंदर गियर नॉब नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी गाड़ियों के अंदर देखेंगे तब भी वहां पर गियर नॉब नहीं आया, गियर नॉब जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस गाड़ी के अंदर गियर नॉब नहीं है तो इसके गियर्स कहाँ है, ये है इसका PND, ये जो है गाड़ी को आगे पीछे और न्यूट्रल करने में काम करेगा। सीट का फैब्रिक आप देख सकते हैं, बेसिक सिंपल इंटीरियर दिया गया है, हेडरेस्ट के साथ दिया गया है सो दैट ड्राइवर को कंफर्ट ज्यादा मिले। एक कवी होल यहाँ दिया गया है, और जो ग्लव बॉक्स है वो लॉक किया गया है। इसका MID वहाँ स्टीयरिंग के सामने नहीं आता, यहाँ पर आता है, और ये पूरा डिजिटल दिया गया है। इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ड्राइवर साइड भी दिखाएंगे। और टाटा इस ईवी के साथ आपको स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग दोनों का ऑप्शन मिलता है, साथ में एक चार्जर भी मिलता है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, जो IP67 रेटिंग के साथ आती है, यानी कि आपको बारिश धूल मिट्टी से डरने की जरूरत नहीं है। 5 साल की वारंटी के साथ गाड़ी यहाँ पर आती है। इस गाड़ी के अंदर लिथियम आयन आयरन फॉस्फेट बैटरी का यूज किया गया है, जो 130 Nm का टॉर्क और 36 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ईवो ग्रीन पावर ट्रेन, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए टाटा ने बनाया है, जिसको वो यहाँ पर यूज किया गया है। अब ये देख लीजिए इसका कंटेनर है, इसको हम ऐसे ऊपर करेंगे, हम ऐसे खींच के खोल सकते हैं। ये देख लीजिए येलो नंबर प्लेट यहाँ पर दी गई है, स्पेयर टायर नीचे की तरफ दिया गया है। अब आते हैं इसके गाड़ी के आगे की तरफ, चाबी से आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका जो MID है वो किस तरीके का है। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए स्पीडोमीटर यहाँ दिया गया है, जो किलोमीटर्स हैं, बैटरी चार्ज 93 किलोमीटर और चल सकती है। ईवी है, न्यूट्रल गियर दिखा रहा है, बैटरी का चार्ज 77% है, जो कि काफी बढ़िया है। अब ये देख लीजिए गाड़ी का जो चार्जर है, ये 15 Ampere वाला चार्जर यहाँ पर दिया गया है, और ये 3-point सीट बेल्ट के साथ आता है। इसका जो हैंड ब्रेक है वो नीचे की तरफ दिया गया है, उसके हैंड ब्रेक के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर का बटन दिया गया है। रेड कलर का बटन ये है इमरजेंसी स्टॉप। अगर मान लीजिए आपको पावर कट करनी है गाड़ी में, बैटरी की जो पावर है गाड़ी के अंदर ना है, इसको कट करना है, तो आपको सिर्फ वो रेड बटन दबाना है, जिससे गाड़ी की जो पावर है वो कट हो जाएगी। यहाँ पर एक इंटीरियर लाइट्स आती है, और पावर विंडोज यहाँ पर नहीं आते, तो आपको बेसिकली इसको घुमा के ही गाड़ी को ऑपरेट करना पड़ेगा। आगे की तरफ यहाँ पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आती है, पीछे भी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, तो राइट जो है थोड़ी सी बंपी रहने वाली है। गाड़ी को और थोड़ा एरोडायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पर एक हुड बनाया गया है, जो हवा को काटते हुए गाड़ी की जो हाइट दी गई है कंटेनर की, उसको पूरा करके गाड़ी के ट्रैक को कम करेगा, जिससे बैटरी की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़कर आएगी। पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक रिवर्स पार्किंग लाइट दी गई, यहाँ पर देखिए रिवर्स पार्किंग लाइट है, 1, 2 और 3 यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये कर्व प्लेटफॉर्म नहीं है, जिससे गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली और थोड़ी बढ़ जाती है, गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी और थोड़ी बढ़ जाती है। अब जो टाटा मोटर्स है वो ईवी व्हीकल्स के अंदर अपने आप में एक पायनियर है, टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, टियागो ईवी और अब एस ईवी काफी कारगर है। ईवी सेगमेंट के अंदर इसने अपनी धूम मचा रखी है, इसीलिए इस जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आ जाती है। जितने भी यूजर है वो काफी खुश है इस गाड़ी से। आपको कैसी लगी गाड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।